Group. Tata won the bid to buy the heavily indebted Air India for $2.4 billion. You know that Tata Motors, obviously you know, in... I know Rajan and Tata. Take for a moment what he's doing in India. Yeah. Well, you know, I've always been very positive about the new India. TCS is part of the Tata Group. Tata Group is the largest industrial conglomerate in India. TCS's goal is to partner with leading companies in the industries in which they operate. स्टार्टअप बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है और टाटा के मल्टीपल बिजनेसेस है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में और होटल इंडस्ट्री में। आज हम डीप लेवल में जानने वाले कि कैसे दो सेंचुरी से भी ज़्यादा टाटा ने बिजनेस में डोमिनेंस हासिल किया और कैसे टाटा की शुरुआत हुई इंडिया में। टाटा की शुरुआत ब्रिटिश रूलिंग इंडिया के दौरान हुई थी। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया में तो बिजनेस करना ईजी नहीं था, बहुत हार्ड था बिजनेसेस को एस्टेब्लिश करना। इसलिए जगह जगह इंडिया में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गई और मांग उठने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करने के लिए। इसका अच्छा रिजल्ट भी निकला, जल्दी ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गई और उसका जगह ले ली द ब्रिटिश राज ने। अब ब्रिटिश राज में अपनी अलग परेशानी आती, बट इसके रूल्स एंड रेगुलेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले अच्छे थे। जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने डेवलपमेंट पे फोकस करना शुरू कर दिया था, जैसे कि उन्होंने इंडिया में रेलवे प्रोजेक्ट्स को एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान बिजनेस करने के लिए एनवायरनमेंट अच्छा बन रहा था, इसी कारण से उस दौरान इंडिया में बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आए। इसमें से एक थे द ग्रेट जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा के पिताजी एक एक्सपोर्टर थे। जमशेदजी टाटा ने अपना एजुकेशन 1858 में पूरा किया और फिर 1859 में वो चाइना गए। वहाँ पे उन्होंने द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस का पोटेंशियल महसूस किया। इसलिए अगले 10 साल तक 1874 तक उन्होंने पूरे ग्लोब घूमा और वहाँ पे हर कंट्री में जाके उन्होंने अपना पर्सनल रिलेशन और बिजनेस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। फिर 1868 में उन्होंने अपनी खुद की पहली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस एस्टेब्लिश कर दिया। फिर 1874 के आते आते उन्होंने अपनी टेक्सटाइल मिल नागपुर में शुरू कर दी। इस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे अच्छे स्कीम्स लाए एम्प्लॉयज़ के लिए, जैसे कि सिक लीव और पेंशन लीव। ये अपने आप में उस दौरान बहुत अनोखी और बहुत अच्छी बात थी। इसी दौरान दुनिया के एक अलग हिस्से में, यूरोप में और यूएसए में रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, जिससे कि इकोनॉमिक बूम मिल रहा था उनके कंट्रीज़ को। ये चीज़ जमशेदजी टाटा ने महसूस की और खुद की स्टील प्लांट खोली 1901 में। इसके साथ साथ उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट में भी हाथ आजमाया। इसके बाद उन्होंने अपना द ग्रेट द ताज महल पैलेस होटल खोला 1903 में। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस एस्टेब्लिश किए। अगर जमशेदजी टाटा के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं तो वो बहुत ही हम्बल इंसान और एक रिस्क लेकर इंसान थे, जो कि हमेशा सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ डोनेट किया करते थे। बट सैडली कुछ टाइम बाद 1904 में उनका देहांत हो गया एक बिजनेस ट्रिप पे। तब तक टाटा कंपनी एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी बन चुकी थी और इसकी लीडरशिप चली गई जमशेद जी के दोनों बेटों के पास। इन दोनों बेटों ने इस कंपनी को चैरिटेबल ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दिया फ्यूचर जनरेशन के लिए। इनके लीडरशिप में इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, जैसे कि स्टील वर्क इन 1907, 1912 में फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री और फर्स्ट इंडिजिनियस इंश्योरेंस कंपनी 1914 में। 1938 के आते आते टाटा कंपनी के पास 14 डिफरेंट कंपनीज थे। इस बार ये जो लीडरशिप जाने वाली थी वो कोई ग्रैंडसन के पास नहीं जाने वाली थी जमशेद जी के, बजाय इसके ये गई जेआरडी टाटा के पास, जो कि कज़न थे जमशेद जी टाटा के। ये 1925 में थे टाटा कंपनी में, वो फ्रांस में पले बड़े थे। जेआरडी टाटा को बहुत पसंद था एविएशन, इसलिए इसी कारण से उन्होंने फर्स्ट टाटा एयरलाइंस डेवलप करना शुरू कर दिया टाटा थ्रू। 1932 में इन्होंने फर्स्ट एयरलाइंस अपनी एस्टेब्लिश कर दी। अब इसके बाद कुछ ही टाइम बाद हमारा जो देश है 1947 में आज़ाद हो गया। अभी आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ बहुत अच्छी हुई होगी टाटा के लिए, बट ऐसा नहीं था, इसका विपरीत हुआ। जो सोशलिस्ट पॉलिसीज थी वो खिलाफ जा रही थी प्राइवेट बिजनेसेस के। हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सक्सेस देखा टाटा एयरलाइंस का, इसलिए उन्होंने इस टाटा एयरलाइंस को नेशनलाइज कर दिया। जेआरडी टाटा ने पॉलिटिक्स को इग्नोर करते हुए एयरलाइंस में दूसरे बिजनेस पे फोकस करना शुरू कर दिया, जो कि उन्होंने 1945 में एस्टेब्लिश किया था। यह था टाटा मोटर्स। जेआरडी के लीडरशिप में उन्होंने
14 कंपनी से लेके 95 कंपनीज तक टाटा को ले पहुंचाया और बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने टाटा को एस्टेब्लिश किया। 1969 में टाटाज को गवर्नमेंट ने टारगेट किया बाय मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट के तहत। इसमें गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि जो टाटा है वो बिजनेसेस में मोनोपोली क्रिएट कर रही है, बट वेस्टर्न स्टैंडर्ड के अनुसार टाटा बहुत ज़्यादा दूर थी मोनोपोली से। ना चाहते हुए भी JRD टाटा को अपना स्टेक कंपनी में कम करना पड़ रहा था, जिसका बुरा खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। धीरे धीरे जो कंपनीज है टाटाज की, वो लॉस में जाना शुरू हो गई क्योंकि उनकी कंट्रोलिंग पावर भी कम हो रही थी। इसी चीज़ को फिक्स करने के लिए उन्होंने ग्रेट रतन जी टाटा को बुला लिया। 1962 में रतन जी टाटा ने अपनी कंपनी को ज्वाइन किया, टाटा कंपनी को। इसमें उनका जो मेजर प्रोजेक्ट था वो 1971 में था, जो कि एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। ये स्ट्रगलिंग कंपनी थी नेल्को, जो कि रेडियो प्रोड्यूस कर रही थी। 1950 से ये अच्छा खासा प्रॉफिट देख रहे थे, बट 20 साल बाद इनका मार्केट शेयर ओनली 3% था। रतन जी टाटा ने रेडियो की तरफ फिर ध्यान देना बंद कर दिया और न्यूज़ टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना शुरू किया, जो कि था सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट। इस पर ध्यान देते देते 1980 में उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया और नेल्को को दोबारा से रिस्टोर कर लिया। फिर 1991 में रतन जी टाटा का सक्सेस देखते हुए इनको टाटा कंपनी की लीडरशिप दी गई। अब ये जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी उस दौरान, वो धीरे धीरे लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी। सोशलिस्ट में टाटा काफ़ी सेफ था, बट लिबरलाइजेशन के दौरान बहुत सारे फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ गए, जिस कारण से टाटा को बहुत स्टीफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। इसी कारण से ज़्यादा अच्छे से टाटा को रूल करने के लिए टाटा कंपनीज को 7 सेक्टर्स में रतन जी टाटा ने डिवाइड कर लिया अंडर 1 अम्ब्रेला। अब जो 1990s में था, उस टाइम पे बहुत सारे कंपनीज लूज़ कर रहे थे इंटरनेशनल कंपनीज के कारण। इसलिए रतन जी टाटा ने अपनी एक नई स्ट्रैटेजी बनाई, जिसमें कि वो है फॉरेन टैलेंट्स और फॉरेन चेन सप्लायर्स को एक्वायर करते जा रहे थे। इनका पहला एक्वायरमेंट था जो कि टेटली कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी। इसके बाद उन्होंने मेजर एक्वायरमेंट किया एक यूरोपियन स्टील कंपनी, जो कि $12 बिलियन में उन्होंने खरीदी थी 2007 में। इसके बाद लैंड रोवर एंड जगुआर को भी उन्होंने $2 बिलियन में 2008 में खरीदा। आज टाटा का मेजॉरिटी रेवेन्यू इंडिया से नहीं बल्कि इंडिया के बाहर से आता है, क्योंकि आज 100 से भी ज़्यादा कंपनीज उनके इंडिया के बाहर है। आज टाटा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। टाटा का वर्थ $242 बिलियन है और 125 कंट्रीज में टाटा ऑपरेट कर रही है। टाटा ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन इकोनॉमी की तरफ। टाटा एक हाईएस्ट पेइंग टैक्स कंपनी में आती है, ना कि इंडिया की टाटा सबसे बड़ी कंपनी है, बल्कि दुनिया के कुछ सबसे बड़ी कंपनीज में टाटा का नाम आता है। आई होप टाटा की स्टोरी में से आप कुछ सीख पाओ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ